हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। पूर्ण संख्याएं, अब पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं ये आपको पता होगा बच्चों। पूर्ण संख्याएं वो संख्याएं होती हैं, वो काउंटिंग आप अगर करते हैं तो जीरो से अगर उस काउंटिंग को शुरू करते हैं तो वो पूर्ण संख्याएं यानी होल नंबर्स होते हैं। तो बच्चों यहाँ पे कुछ क्वेश्चन कर रहे थे हम, उम्मीद है बच्चों आपको ये समझ में आया होगा। देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, भाई मल्टीप्लीकेशन करना है, लेकिन इस हिसाब से मल्टीप्लीकेशन करना है कि आप जो मल्टीप्लीकेशन है आपका वो इजी पड़े, आसान पड़े। ठीक है, यहीं से हम रिज्यूम करते हैं जहां से हमने प्रीवियस सेशन में छोड़ा था ये क्वेश्चन। वैसे तो मैंने आपको बोला था कि आपको होमवर्क में करके लाना है, अगर आप लेके आए हैं करके वेरी गुड, अपना आंसर आप शेयर कर दीजिए, अदरवाइज हम यहाँ पे इसको सॉल्व करने वाले हैं। देखिए पार्ट सी तक तो हमने यहाँ पे कर लिया था, आगे के पार्ट्स हैं वो यहाँ पे देखेंगे हम। ठीक है, अभी कैसे सॉल्व करना है। तो पार्ट डी ई एंड एफ ये बचे हैं, जल्दी से मुझे बता दीजिए कि क्या क्या आपके आंसर हो सकते हैं इसमें। हैंड रेज करेंगे बच्चों जिसके पास भी आंसर। तो बच्चों किसी का आंसर आ गया तो बता दीजिए। देखिए पार्ट डी है, कैसे इसको करना है यहाँ पे मैं आपको बता दूं, 625 इंटू 279 इंटू 16 है। तो सबसे पहले कौन से दो नंबर हैं जिनको आपस में हमें मल्टीप्लाई करना चाहिए, तो हमें क्या करना है, मैक्सिमम जीरो आ जाए एंड में, है ना, यही करना है। तो अगर मैं 16 की 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 80 आता है, 16 पंजे 80, मतलब एक जीरो तो हमारे पास एटलीस्ट आएगी ही। यहाँ पे हमें जीरो नहीं प्राप्त होगी कोई भी, इसीलिए उसके बाद 279 से, इससे फायदा ये होगा कि हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। ये चीज बच्चों धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस से आ जाएगी। देखिए मैं क्यों बोल रहा था ऐसा, अभी पता लग जाएगा आपको। 625 इंटू 16 करेंगे, 16 पंचे 80, 8 हासिल, 16 दुनी 32 और 8 40, फिर 4 हासिल, 16 इंटू 6 96 प्लस 4 100 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे अगर हमने मल्टीप्लाई किया है 625 को 16 से, ये नंबर आया है। ठीक है, 10,000 आ गया। तो 10,000 से 279 को मल्टीप्लाई करना बहुत ही इजी काम है कि नहीं? क्या करना है, बस जीरो लगा देने हैं, 279 के आगे 4 जीरो लगा देंगे, ये हो गया आंसर। तो इसीलिए हमें इस तरह से मल्टीप्लाई करना है कि कैलकुलेशन इजी पड़े। वो कैसे पड़ेगी भाई, जितने ज्यादा ज्यादा जीरो होंगे भाई उतने ही छोटे नंबर से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखिए अभी बताता हूं मैं, पार्ट ई में आपको 285 इंटू 5 इंटू 60 है। तो मैं 60 को और 5 को अगर मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या फायदा होगा कि भाई 60 और 5 को इजीली मैं मल्टीप्लाई कर पाऊंगा। सबसे पहले तो 285 इंटू 60 को और 5 को नहीं करना क्योंकि एक जीरो है, तो मैं सिर्फ 6 को और 5 को करूंगा, 6 इंटू 5 30 होता है और ये जीरो लास्ट में एज इट इज लग जाएगी। भाई इन नंबर्स को तो आपको मल्टीप्लाई करना आता होगा, जीरो वाले ये हम डिस्कस कर चुके हैं। अब देखिए कितना हो जाएगा, ये 285 को सिर्फ 3 से गुणा कर लीजिए, बाकी जो ये लास्ट में दो जीरो बची हैं ये आंसर के साथ एज इट इज आ जाएंगी। ये कुछ इस तरह से होता है बच्चों, अगर आपने 20 का और 30 की मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है, 20 की और 30 की गुणा करनी है, इसीलिए राइट साइड में जीरो दिख रहे हैं इनको अभी ड्रॉप, और हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 की और 3 की, कितना हो जाएगा, 2 इंटू 3 6, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। उसके बाद जीरो देखिए कितनी ड्रॉप की थी हमने, एक जीरो ये और एक जीरो ये रह गई थी, तो आंसर में सीधा हम ये जीरो ऐसे रख देंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है, नंबर छोटे रह जाते हैं। अगर एंड में किसी के जीरो हो तो उनको ऐसे ही मल्टीप्लाई कर देंगे आप,
आंसर आपका इजीली आ जाएगा। जैसे 3000 है इंटू 4000, नंबर 3000 और 4000 कितने बड़े बड़े हैं, लेकिन गुणा करना आसान है। कैसे, हम जीरो को अभी छोड़ देते हैं क्योंकि राइट साइड में सारी जीरो हैं, तो जीरो को रहने देते हैं। सिर्फ जो ये अंक दिख रहे हैं 3 और 4, इनका मल्टीप्लीकेशन करते हैं, 12 आ गया, 3 जीरो यहाँ थी, 3 जीरो यहाँ थी, 6 जीरो आप ऐसे ही लगा देंगे, इसके बाद ये आंसर आ गया। तो मल्टीप्लाई यानी गुणा आसानी से आप कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। अब देखिए, अगर आपके पास हो 3002 × 501, क्या इनको भी ऐसे ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं? नहीं, यहाँ पे क्या है भाई, लास्ट में जीरो जीरो के बाद टू है, इसीलिए इसमें वो चीज अप्लाई नहीं हो सकती। यहाँ जीरो के बाद लास्ट में वन है, इसीलिए हमें इसको प्रॉपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पूरे नंबर को, 3002 × 501 ऐसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको, ये चीज समझनी है आपने। लास्ट में जब जीरो जीरो हो तभी इस चीज को आप अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए भाई, 285 को 3 से गुना करिए, 300 है तो जीरो तो हम आंसर में लगा देंगे, 3 × 5 = 15, 1 हासिल, 8 + 3 = 24 और 1 = 25, 2 हासिल, 3 × 2 = 6 और 2 = 8, 855 आ गया, 855, और 3 से मल्टीप्लाई करने पे 2 जीरो एज इट इज हैं, तो एज इट इज 2 जीरो यहाँ पे लगा दी, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इनको नोट डाउन करो, और जो ये लास्ट पार्ट है, ठीक है, लास्ट पार्ट है, इसमें इसको आप सॉल्व करके मुझे आंसर बताओ इसका, कि क्या आंसर होगा, सबसे पहले किस किस को मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर क्या आ जाएगा आपका। तो बच्चों बताइए, जीआईसी गांधी खाल, बेटा एफ का आंसर क्या आया है आपका, पार्ट जो एफ है उसका आंसर क्या है, माइक लेके बताइए अपना आंसर, शाबाश, टाक, वेरी गुड। क्या नाम है बेटा आपका? नाम बताओ बेटा अपना। आयुष ने, वेरी गुड आयुष। तो देखिए बहुत अच्छी बात है, आंसर आपका आ गया है। अब देखिए ये चीज आयुष के लिए भी है, बाकी बच्चों के लिए भी, आंसर सबका यही आया होगा, ठीक है, आंसर सबका यही आया होगा, लेकिन कैसे आया है, कितनी मेहनत करने के बाद आया है, ये यहाँ पे आपको पता लगेगा कि भाई आपका जल्दी आ गया है या यहाँ पे मैं सॉल्व करूंगा तब जल्दी आया है, या फिर दोनों ने सेम तरीका यूज किया है। 125 × 40 × 8 × 25, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करना चाहूंगा, 125 को 8 से मल्टीप्लाई करना चाहूंगा, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई किया था 125 को 8 से, और कितना आता है इसके मल्टीप्लीकेशन पे ये मुझे पता है, 40 को 25 से मल्टीप्लाई करना चाहूंगा, और इन दोनों को आपस में, 125 को 8 से मल्टीप्लाई करने पर 1000 आता है, पता है मुझे, नहीं पता तो करके देख लीजिए, 8 × 5 कितना होता है, 40, 4 हासिल, 8 × 2 = 16 और 4 = 20, 2 हासिल, 8 × 8 = 10, इस तरह से आ जाएगा। अब 25 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आ जाएगा, 10 एज इट इज, ठीक है, 10 एज इट इज आ जाएगी। देखिए आंसर कितना इजीली आ गया, मैंने ये डिसाइड किया है, सबसे जरूरी यही चीज है कि आप ये डिसाइड कर पाए किन दो संख्याओं को पहले गुणा करेंगे, उस पे डिपेंड करता है कि आपका सॉल्यूशन कितना आसानी से आने वाला है। अब देखिए, एक की और एक की गुणा कर दीजिए, आगे तो सारी जीरो जीरो है, तो एक की और एक की गुणा करेंगे तो जीरो आए, एक आएगा, फिर 3 जीरो इसकी, 3 जीरो इसकी, 6 जीरो आ गई, तो कितना हो गया ये, 1, 10, 100, 1000, 10000, फिर लाख, फिर 10 लाख, ये आ जाता है बच्चों 10 लाख, कितना आ जाता है, 10 लाख। तो हो सकता है बच्चों आपने थोड़ा हार टफ सॉल्यूशन अपनाया हो, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत आंसर ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, आपने एटलीस्ट ट्राई किया और आंसर दिया, आप लगभग हो आंसर के, बस आपकी एक जीरो यहाँ पे
कम आई है कोई बात नहीं, अच्छी बात है बच्चे, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इसको। चलिए बच्चों अगला सवाल करेंगे हम, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है, ये बहुत हेल्पफुल रहेंगे बच्चों आगे चल के आपकी अगली क्लासेज में भी, ये चीजें बहुत हेल्पफुल रहेंगी इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। तो यहां पे आपको क्या करना है, देखिए फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे हम, 297 इंटू 17 प्लस 297 इंटू 3। तो यहां पे आपको देखिए बीच में प्लस का साइन दिख रहा है, 297 को एक बार 17 से गुना किया, एक बार 3 से गुना किया, तो मैं क्या करूंगा 297 को कॉमन ले लूंगा। कॉमन मतलब क्या होता है कि मैं बाहर लिख लूंगा 297 और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 17 प्लस 3। मतलब ये जो दो मल्टीप्लीकेशन वाले नंबर हैं इनमें से मैंने एक बार 297 यहां से बाहर लिख लिया, यहाँ पे क्या बच गया 17 बच गया, यहां से मैंने 297 बाहर निकाल लिया और यहाँ पे 3 बच गया। इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 297 इंटू 17 प्लस 3 20 आ गया। तो 297 को 20 से मल्टीप्लाई कीजिए कितना आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 297 को, आंसर आ जाएगा हमारा 2 × 7 = 14, एक हासिल 9 × 2 = 18 और 1 = 19, एक हासिल 2 × 2 = 4 = 5, 594 आपका आंसर आया है, जिसके आगे एक जीरो भी आप लगा देंगे तो ये आंसर हो गया। अब देखिए फायदा क्या हुआ है इससे, ये फायदा हुआ है कि वैल्यू थोड़ी ही इजीली आ गई हमारी, अदरवाइज आपको क्या करना पड़ता, पहले 297 को 17 से गुना करना पड़ता, फिर 297 को 3 से गुना करना पड़ता, फिर उसके बाद इन दोनों को आपस में जोड़ना पड़ता, तो 3 स्टेप में आपका आंसर आता। यहाँ पे एक स्टेप में आ गए, वो भी सिर्फ 297 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा है हमें, ठीक है। तो इसीलिए इस तरह से अगर करेंगे तो आपके लिए सॉल्यूशन इजी हो जाएगा, नोट डाउन कर लीजिए। और उसके बाद देखिए अलग अलग क्वेश्चंस आप देख पा रहे हैं, ठीक है, बी सी डी ये सारे पार्ट्स आपको दिख रहे हैं। यहाँ पे देखिए 54279, 54279 है, यहाँ पे भी 54279 है, दोनों में से यहाँ पे ये कॉमन निकाल लेंगे उसके बाद सॉल्व करेंगे तो इजी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे ये वाला देखेंगे, डी वाला पार्ट हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ये दोनों आपके होमवर्क के लिए हो जाएंगे, नोट डाउन कर लीजिए इनको। तो बच्चों जो पार्ट डी है इसका आंसर किसका आ गया जल्दी बताइए, अगर सही तरीके से कर रहे होंगे तो अभी तक आपका आंसर आ जाना चाहिए, जिसका आंसर आया हैंड रेज कीजिए शाबाश, यहां पे मैं आपकी हेल्प करने के लिए ही हूं। क्वेश्चन देखिए 3845 इंटू 5 इंटू 782, ये है एज इट इज मैंने लिख दिया यहाँ पे, 769 इंटू 25 की जगह मैं लिख सकता हूँ 5 इंटू 218। चीज ये है कि यहाँ पे मेरे पास है 3845 इंटू 5 है, इंटू 782 है, यहाँ पे भी 5 तो मैं निकाल सकता हूँ कॉमन, बाकी कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, तो इन दोनों को मैं एक बार मल्टीप्लाई करके देखता हूँ, मेरे हिसाब से ये आना चाहिए 3845, 769 को 5 से मल्टीप्लाई करिए, 5 × 9 = 45, 4 हासिल, 5 × 6 = 30 और 4 = 34, 3 हासिल, 5 × 3 = 35 और 3 = 38, ठीक है, तो 3845 आ गया इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। बस यहाँ पे लिख लेंगे 3845 इंटू 5 इंटू 782 प्लस 3845 इंटू 5 इंटू 218। अब यहां से 3845 कॉमन आ गया, इंटू 5 भी कॉमन आ गया क्योंकि ये दोनों में है, बच क्या आ जाता है 782 प्लस 218, यहाँ पे
बच जाता है ब्रैकेट में। इनको सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ऐड कर देंगे आप, ऐड कर देंगे 782 को और 218 को, कितना आ जाएगा 2 + 8 = 10, 1 + 8 + 1 = 9 और 1 = 10, 7 + 2 = 9 और 1 = 10, 1000 आ गया। तो 1000 को आप यहां पे इसकी जगह लिख देंगे 1000। अब 3845 को 5 से और गुना करके लिख देंगे हम, ठीक है, कितना आएगा 3845 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, 5 × 5 = 25, 2 हासिल, 5 × 4 = 20 और 2 = 22, 2 हासिल, 5 × 8 = 40 और 2 = 42, 4 हासिल, 5 × 3 = 15 और 4 = 19, 19225 आपका यहाँ पे मल्टीप्लाई करके आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना तो बहुत ही आसान है, क्या करना है, बस 3 जीरो लगा देंगे इसके आगे, 19225 के आगे 3 जीरो लगा देंगे और ये कितना बन गया, ये बन गया 1,92,25,000, ठीक है। तो इस तरह से सॉल्व करेंगे, आपको बस ये देखना है कि किन किन नंबर्स को मल्टीप्लाई करके कौन सा कॉमन आ जाता है, यहाँ पे नोट डाउन करिए इसको। तो बच्चों देखिए एक क्वेश्चन और आप देखेंगे, कुछ इसी प्रकार का है, यहां पे आपको गुणन करना है, मल्टीप्लीकेशन करना है, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन करना है लेकिन थोड़े है इजी वे में। यहां पे अगर आप 738 को 103 से गुणा करेंगे, आंसर इजीली आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 738 को 103 से मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे तो आंसर तो आ जाएगा, लेकिन हमें थोड़ा सा आसान तरीका देखना है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जो 103 है, 738 × 103 को मैं 100 + 3 लिख सकता हूँ, 100 + 3 लिखना है हमें, उससे क्या फायदा होगा, मैं 738 को अब इससे भी मल्टीप्लाई कर सकता हूँ और इससे भी मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, क्या जाएगा 738 × 100 + 738 × 3, ठीक है। तो ये तो आ जाएगा 738 × 100, मतलब आके 2 जीरो लगा दी, 738 × 3 का हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 3 × 8 = 24, 2 हासिल, 3 × 3 = 9 + 2 = 11, 1 हासिल, 7 + 21 और 1 = 22, ये आ जाएगा। अगर कंफ्यूजन होता है तो ऐसे लिख के कर लीजिए बच्चों, मिस्टेक मत करना, बस 3 × 24, 2 हासिल, 3 × 3 = 9 और 2 = 11, 1 हासिल, 7 + 21 = 22, आंसर वही आएगा। इसके बाद क्या करना है, आपको ऐड कर देना है दोनों को, दोनों का योग करेंगे, क्या आ जाएगा आंसर 7 × 3 = 8 = 0 = 2 = 1 = 4, ऐड कर दीजिए इसको, 8 × 2 = 10, 1 हासिल 3 + 5 = 6 = 7, 76,014 आंसर आ गया, नोट डाउन कर लीजिए। बाकी के पार्ट्स भी ऐसे ही आप करेंगे होमवर्क में। ये आपके सिलेबस में हो ना हो लेकिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं, इस क्लास में ही नहीं आगे आने वाली क्लासेज में भी, इसीलिए जो ये प्रोडक्ट के रूल्स वाले क्वेश्चन हैं इनको आप प्रैक्टिस जरूर करें ताकि आगे आने वाली क्लासेज में आपके लिए आसानी रहे। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे हम एंड करेंगे, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।